वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बच्चों, सी न्यू चैप्टर जड़ा अज शुरू करन लगे हाँ, उस चैप्टर का नाम हैगा है गुडविल। पार्टनरशिप अकाउंट का दूसरा चैप्टर आ, इंपोर्टेंट चैप्टर आ, थ्यूरी पॉइंट ऑफ व्यू के नाल छोटे क्वेश्चन भी इस आ सकते हैं, क्योंकि ये आप गुडविल के बारे डिटेल दे विच पढ़ना है। गुडविल बारे तुसी जड़ा वा ऑलरेडी प्लस वन के भी और प्लस वन थोड़ा बहुत पढ़िया सी, गुडविल का मीनिंग की है, गुडविल होंगी की आ, तुसी थोड़ा बहुत जानते हो। हुण आपां जो प्लस वन के पढ़िया सी उन्हों पर डिटेल दे विच इत्थे जिहड़ा वो पढ़ांगे। पेपर च क्वेश्चन जिहड़े आ गुडविल नाल रिलेटिड थ्यूरी का वड्डा क्वेश्चन भी आ सकता है, जिस क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, व्हाट आर द डिफरेंट मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये भी आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, व्हाई वी नीड फॉर वैल्यूइंग द गुडविल, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूइंग ऑफ गुडविल, ये जिहड़े डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जिहड़े तुहानू आ सकते आ, आपां चंगी तरह इत्थे पढ़ांगे कि गुडविल हुंदी की आ, गुडविल का मतलब की आ, की उहदियां नीड्स ने, किहड़े किहड़े फैक्टर्स जिहड़े गुडविल नूं अफेक्ट करदे, फिर किहड़े किहड़े ऐसे मैथड्स ने जिन्हां नाल आपां गुडविल जिहड़ी आ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान दे नाल इस चैप्टर नूं समझना। पुत गुडविल, गुडविल का मीनिंग आपां पढ़िया ऑलरेडी प्लस वन च भी पढ़िया सी, जदों तुसीं अकाउंट्स दे विच टर्म वाला चैप्टर पढ़िया सी, टर्मिनोलॉजी वाला, जिस छोटिया छोटिया टर्म्स सारिया दित्तियां हुई, एसेट्स सारिया पढ़िया, लाइबिलिटीज पढ़िया, इनटेंजिबल एसेट्स पढ़िया, टेंजिबल पढ़िया, लाइब सारा कुछ तुसी ऑलरेडी पढ़िया सी। उन्हां विचों एक एसेट आपां कोल जिहड़ी हुंदी आ उह साडे कोल हुंदी आ गुडविल। गुडविल का मतलब की है, गुडविल इज़ अ रैपोटे इज़ द रैपोटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल की समाज के जिहड़ा भी बिजनेस आप करते पे हाँ उस बिजनेस की समाज के रैपोटेशन आ, अर्नड बाय अ बिजनेसमैन, जो कि द्वारा अर्नड की जाती है बिजनेसमैन द्वारा, कादे करके किस तरह करता वा, बाय हीज हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, किस तरह उन्होंने मिलती है जी शोहरत मिलती है, जो रैपोटेशन किस तरह मिलती है, वो हार्ड वर्क करके, वो ऑनेस्टी करके। हुण आपां जदों पुत कोई भी चीज़ बाजार च लैन जानी हुंदी है, तो आपां कहिंदे नहीं आपां इस कंपनी की चीज़ लैनी है, इस ब्रांड की चीज़ जिहड़ी आ वो लैनी है, तो इस कंपनी की चीज़ आप लैनी है, इस ब्रांड की चीज़ आप लैनी। मान लो जो आप गल करते रेमंड की, आप जो पेंट शर्ट या कपड़ा कोई भी लैन जाने या कोट पेंट वास्ते, आप कहें जी आप रेमंड का लैना, क्यों रेमंड का कपड़ा आप लैना, क्योंकि सानू पता भी इस कंपनी की जी फैब्रिक आ, कपड़ा बनाने की क्वालिटी आ, कपड़ा जोड़ा वा वधिया क्वालिटी हूँ वा, ज़्यादा टाइम टाइम तक जोड़ा वो करता, तो उन्हें इन्ना इन्नी जी क्वालिटी या इन्ना वधिया कपड़ा आप जो भी उनको कहने कि इस कंपनी का लैना, वो किस तरह चलता पाया वा, क्योंकि जी रेमंड के मालक होने उन्होंने किन्नी मेहनत की आ, 1925 तो लैके सिंस 1925 की कंपनी आ, उस तो लैके हूँ तक उन्होंने अपनी ब्रांड को स्टेबल बना के रखिया, लोगों का विश्वास जितया, अपनी रैपोटेशन लोगों के माइंड बनाई, तो उन्होंने आप कहने किस तरह बनी होगी उन्होंने हार्डवर्क करके या ओनेस्टी करके जी बनी, उन्होंने आप कहने गुडविल। फिर गुडविल जी है पुत उन्होंने आप कह सकते कि इनटेंजिबल एसेट है, इनविजिबल। इनटेंजिबल का मतलब जिन्होंने आप टच नहीं कर सकते, इनविजिबल जिन्होंने आप देख नहीं सकते, एसेट ऑफ अ बिजनेस, मगर हैगी आ एसेट आ बिजनेस की, ना उन्होंने आप वेख सकते हैं ना उन्होंने आप टच कर सकते हैं। हुण गुडविल जी आ, उस तो बाद जो आप गल करिए कि गुडविल जी आदि डेफिनेशन जेकर आप लैके चलनी है, जो भी पेपर च क्वेश्चन आएगा तुम पहलों अपनी गुडविल का मीनिंग लिखना वा, फिर एक कोई भी जी डेफिनेशन तुम ईजी लगती है डेफिनेशन लिखनी आ, वे क्वेश्चन के उत्ते डिपेंड करता वा कि उन्हें जो मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूछा वा तो मैथड्स में एक्सप्लेन करना, जो उन्हें नीड पूछी आ या फैक्टर पूछे आ, तो क्वेश्चन की लेंथ बनाने वास्ते फीचर्स भी जोड़े आओ थोड़े बहुत दे सकते हो, ताकि क्वेश्चन जोड़ा ता 3.5 पेज का जो लगभग वो बन जाए। फिर उस तो बाद जेकर आप डेफिनेशन की गल करते हैं, तो डेफिनेशन जी आ गुडविल इज़ प्रॉफिट अर्न। गुडविल का मतलब की है वा, गुडविल का मतलब है प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट अर्न ड्यू टू रिलेशन, कि गुडविल का मतलब है कि किन्ना क प्रॉफिट कोई बिजनेसमैन कमा रहा वा, अर्न कर रहा वा, ड्यू टू रिलेशन एंड रैपोटेशन, वो रिलेशन के बेस के उत्ते, रैपोटेशन के बेस के उत्ते आप कहने गुडविल जी कहने। उस तो बाद जे आनू क्वेश्चन आता वा तो पहले मीनिंग लिख देना, डेफिनेशन लिख देनी, फिर क्वेश्चन जो तो एंड के उत्ते कंकलूजन बेटा जोड़ा वो जरूर देना वा, क्योंकि कंकलूजन जोड़ा वा वो तुहाडे क्वेश्चन ज़्यादा वधिया तरीके अंडरसटैंड करने के एग्जामिनर नू मदद जी करता। हुण आपां दी डेफिनेशन तो बाद तुहाडे कोल आ जांदा वा नीड्स ऑफ वैल्यूइंग द गुडविल, की जरूरत है, की
वैल्यूएशन आपां जेकर करनी है गुडविल दी तो क्यों सानू वैल्यूएशन करन दी जरूरत पैंदी आ जेकर आपां गुडविल नू कैलकुलेट करना। पहले नंबर ते जदों भी किसी पार्टनर दी नवी एडमिशन होएगी आपां नू गुडविल दी वैल्यूएशन करन दी जरूरत जिहड़ी आ ओह पैंदी आ। क्यों? क्योंकि जो आप न्यू पार्टनर नू एडमिट करना तो जो भी पुराने पार्टनर है उन्होंने अपनी मेहनत नाल जिनी भी अज बिजनेस नू स्टैंड किया तो आप जो बिना गुडविल कैलकुलेट कित्या किसी भी पार्टनर नू अपना मैं पार्टनर जिहड़ा बना लिए न्यू पार्टनर नू तो इहदा मतलब वो बेनीफिट जिहड़ा वा फ्री दे विच बेनीफिट जिहड़ा वो लै जाएगा क्योंकि जिनी मेहनत उन्होंने 10 साल 20 साल 30 साल बिजनेस चला की नवे पार्टनर ने एक मिनट के 30 साल की मेहनत का बेनीफिट जिहड़ा वो लै जाना। तो जे आप गुडविल नू कैलकुलेट नहीं करते मगर जे गुडविल आप फिर कैलकुलेट करिए तो फिर आप जो नवा पार्टनर आया वा फिर उन्होंने आप दस सकते कि आप जो का बिजनेस स्टार्ट किया वा उदों तो लैके हूँ तक आप इन्ना ज़्यादा बिजनेस में वधाया वा इन्नी गुडविल कमाई आ तो तुसी अपनी गुडविल जी आप कमाई आदि बदले तुसी इन्ने पैसे लैके आओगे तो ही बिजनेस के पार्टनर जो बना सकते हैं नहीं तो सानू जो नुकसान होएगा। इहदा मतलब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर टाइम तो गुडविल कैलकुलेट आप करते हैं। आप पूरा चैप्टर पढ़ना है डिटेल के बड़ा वधिया इंपोर्टेंट चैप्टर है तो वड्डा क्वेश्चन पेपर के इस चैप्टर चो आना पढ़ना। फिर रिटायरमेंट और डैथ ऑफ अ पार्टनर जो किसी बंद ने रिटायर होना तो उन्हें जो आप बिजनेस के जो आप बिजनेस के अलविदा कहना वा तो उन्होंने आप कुछ ना कुछ पैसा दे के तोरना कहें रिटायरमेंट के टाइम पर। फिर डैथ ऑफ अ पार्टनर जो बंदे किसी डैथ हो जाती है तो वह जो हिस्सा वे आप एग्जीक्यूटर या जो भी वह मैं फैमिली मैंबर उन्होंने देना वा तो कैलकुलेट करके आप जरा वो देने डैथ ऑफ द पार्टनर जिहड़ा वा उहदे हिसाब उहदी किन्नी क बनदी है वैल्यूएशन उस हिसाब नाल उदों भी कैलकुलेट करना पैंदा। फिर जो बिजनेस नू खत्म करना या डिजोल्व करना वा उदों भी आपां गुडविल नू वैल्यू करदे आ। फिर दो या दो तो ज़्यादा फर्म नू आपस च जो आपां मलगामेट करना वा या इको करना वा जॉइंट करना वा दो बिजनेस आपस दे विच मिलाने आ तो उदों भी आपां वैल्यूएशन और गुडविल करदे आ ताकि पता लग जाए किहड़े बिजनेस की किन्नी गुडविल जिहड़ी आ उह हैगी आ जिहड़ा ज़्यादा वैल्यू वाला होएगा उहदे विच छोटी चीज़ नू आपां ऐड जिहड़ा उह कर दिंदे जां इकट्ठा जिहड़ा उहनां नू करदे ने। जे कल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप चेंज करनी है उदों भी वैल्यूएशन गुडविल जी करा वैल्यूएशन गुडविल जी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर करते हैं कि जो दो पार्टनर है उन्हों की रेशो बनी पई है कल वो पार्टनर कहें कि मैं ज़्यादा पैसा होर ला दिना वा ज़्यादा कैपिटल ला दिना वा ज़्यादा गुडविल होर मेरे करके वही पई तो मैं अपना शेयर जरा चेंज करना या कोई नवा पार्टनर आता उदो शेयर चेंज हों कोई जा रहा उदो शेयर चेंज हों जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कभी भी कोई चेंजिज आता उदो भी गुडविल में कैलकुलेट आप करते हैं। जो भी किसी बिजनेस में वेचांगे तो आप अपनी वैल्यूएशन करके वेचांगे भी इन्ना साडा बिजनेस जिहड़ा हैगा वा इन्नी आप बिजनेस जिहड़ा चलाया वा उहदी इन्नी वैल्यूएशन जिहड़ी आ उह बनदी है। फिर या पार्टनरशिप नूं आप जॉइंट स्टॉक कंपनी च कन्वर्ट करना होवे तो फिर आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जिहड़ी आ उह करते हैं तो उहनूं आप कहिंदे आ कि इन्हां सारे टाइम्स दे उत्ते नीड फॉर सानूं वैल्यूइंग दा गुडविल करन दी जरूरत जिहड़ी आ उह पैंदी आ। उस तो बाद तुहाडे कोल एक क्वेश्चन आ जांदा वा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूइंग ऑफ गुडविल कि कहड़े कहड़े ऐसे तत् ने या कहड़े कहड़े ऐसे फैक्टर्स ने जो इफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नूं क्यों सानूं वैल्यू जिहड़ी आ गुडविल जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट करा गुडविल की तो कुछ फैक्टर जोड़े इफेक्ट करते हैं। पहला है एफिशेंट मैनेजमेंट कि जी सा मैनेजमेंट हैगी जो बिजनेस आप करते पे हैं वो मैनेजमेंट कि कैपेबिलिटी हैगी अपने बिजनेस में इनक्रीज़ कर कितना ज़्यादा आप प्रॉफिट जो ज़्यादा तो ज़्यादा कमा सकते हैं या कमाने पे हैं कितना होर प्रॉफिट में वधाने पे हैं वो चीज़ जी इफेक्ट करती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मान लो कल आप बिजनेस के गुडविल की वैल्यूएशन करनी जो मैनेजमेंट एफिशेंट आ तो वह जी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि उन्होंने पता वा भी इनकी मैनेजमेंट से इन काबिलियत हैगी प्रॉफिट में होर ज़्यादा इनक्रीज जो कर सकते। फिर लोकेशन ऑफ अ बिजनेस किस तरह का ताड़ा बिजनेस आ कि एरिए बिजनेस खोल लिया जेकर तुसी मान लो तुसी एक पोश एरिया दे विच बिजनेस खोल लिया वा तो तुहाडी लोकेशन ज़्यादा वधिया वा तो तुहाडी वैल्यूएशन गुडविल ज़्यादा आएगी। तुसी एक पिछड़े इलाके च अपना जिहड़ा वा ये कोई बिजनेस खोल लिया वा जां बिजनेस करदे पे लोकेशन जिहड़ी तुहाडी हैगी आ उह इन्नी वधिया नहीं हैगी तो तुहाडी गुडविल जिहड़ी आ इन्नी वधिया जिहड़ी आ उह नहीं होएगी। फिर क्वालिटी गुड्स क्वालिटी कि जिहड़ियां तुसी क्वालिटी गुड्स जिहड़ियां वा ज़्यादा वधिया लोगों को प्रोवाइड करते हो तुहाडे प्रोडक्ट जिहड़े आ ज़्यादा वधिया क्वालिटी के जिहड़े हुंदे ने तो फिर तुहाडी जिहड़ी गुडविल आ उह ज़्यादा वधिया होएगी। जितना मैं एग्जाम्पल दी है कपड़े की तो आप रेडीमेड की क्वालिटी जी कहने गुड आ क्यों गुड हैगी क्योंकि वो वधिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जोड़े आ मार्केट से लोगों को प्रोवाइड करते तो उन्होंने गुडविल जी ज़्यादा। फिर एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स पेटेंट्स तुसी भी ये भी प्लस वन जो टर्म पढ़ी सी पेटेंट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क गुडविल ये सारिया साड़िया इनटेंजिबल तो इनविजिबल है
ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੂਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਲੈਨਮਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਲੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਬਣਾਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਛਪ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਸਾਲਟ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੇਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਲਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਤੀ, ਜੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਔਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, TCS ਨੂੰ ਆਹ ਔਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਰਿਸਕ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਗੁੱਡਵਿਲ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਹੋਏਗਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੀ, ਤਾਂ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਸ਼ੇਦ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਵੇਖੋ 115 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 116 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡ ਕਸਟਮਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਣੇਗੀ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਕਮੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਸੀ ਕੋਕ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੀ, ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਐਪਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਓਨੈਸਟੀ ਕਰਕੇ, ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪਾਪੂਲਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਕੈਲਕੁਲੇਟ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ
कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੈਸ ਟੂ ਸਪਲਾਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਟੋਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।